नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीटी यूनिवर्सिटी के करियर काउंसलिंग सेशन के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है करियर बाइट्स। हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम में एक नए करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते जिस करियर ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले जा रहे हैं, आने वाला समय उस करियर ऑप्शन का है। जितनी भी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो या तो इसको ऑप्ट कर चुकी हैं या ऑप्ट कर रही हैं। इसने हमारे पढ़ने, लिखने, बोलने, यहाँ तक कि हमारे व्यवहार करने के तरीके तक को बदल दिया है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया की। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जितेंद्र सिंह जी। आप एसजीटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इफ़ आई से दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑन डिजिटल मीडिया, तो ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। जितिन जी, पहला और वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि क्या है डिजिटल मीडिया? सलीम, आपका सवाल जो है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप एक ऐसे डे को इमेजिन कीजिए जिस दिन आप सुबह उठें और आपको मालूम पड़े कि आज अखबार नहीं आ रहे, ठीक है। आप रिमोट उठाते हैं और मालूम पड़ता है कि आज टीवी भी नहीं आ रहा है, यानी कि किसी वजह से आपकी जो केबल नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद आप मोबाइल निकालते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि जो आपका जो मोबाइल पर भी आप जो इंटरनेट सर्विसेज है वो डिस्ट्रप्टेड है और आप मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो उस दिन को आप इमेजिन करके बताइए वो दिन आपका कैसा होगा, फिर मैं आप आगे बात करते हैं इस बारे में। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इन दैट डे, क्योंकि मुश्किल है अब आप इस टाइम पे 2019 में वो सब इमेजिन कर पाना कि आपके पास अखबार नहीं है, यू स्विच ऑन टीवी, टीवी काम नहीं कर रहा है और आपका मोबाइल भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया या मीडिया, कि हम आज हमारे लाइफस्टाइल में मीडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और हम मीडिया से इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं, मीडिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हमें खुद नहीं पता कि मीडिया हमारी लाइफ का कब हिस्सा बन गया। इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल मीडिया भी कहते हैं अक्सर, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। पिछले कुछ सालों से हम उठते हैं तो हमें अखबार चाहिए, हम टीवी देखते हैं, हर घर में टीवी है, हमारे बुजुर्गों को अखबार चाहिए, लोगों को टीवी देखना है, ये हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल मीडिया भी कहते हैं। तो हम मीडिया की पावर को हम समझने के लिए जब हम बात करते हैं तो मीडिया एक बहुत इन्फ्लुएंस्ड एक मीडियम है जो हमें ना सिर्फ इन्फॉर्म करता है, हमें एजुकेट करता है, हमें हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में भी हमें मीडिया बताता है। तो जैसा कि सलीम ने कहा, डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया पर आने से पहले मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले सीन में या सबसे पहले अखबार आए, ठीक है, अखबार आए, अखबार के बाद सिनेमा, सिनेमा के बाद डेवलप हुआ टेलीविजन और रेडियो, और उसके बाद जो मीडिया आजकल जो वजूद में है, जो पिछले 15 या 10 सालों से आया है, उसको हम न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया कहते हैं। डिजिटल मीडिया इसीलिए क्योंकि हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस करते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या कंप्यूटर सिस्टम्स पर, या इवन आजकल हमारे स्मार्ट टीवीज पर भी हम इसको एक्सेस करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटली मिल रही है हम उसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो जैसे बाकी मीडिया हमें इन्फॉर्म करते हैं सलीम, जैसे हम अखबार की बात करते हैं या टेलीविजन की बात करते हैं, सेम वही काम आजकल जो डिजिटल मीडिया है, या इसको हम न्यू मीडिया, न्यू मीडिया हमने इसको इसीलिए कहा क्योंकि ये पिछले 15 सालों में आया है। अच्छा, इसके आने का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ सदियों में, मतलब हम सदी की बात कहें, मतलब हम पिछले कुछ डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका रिजल्ट है ये न्यू मीडिया। एक ज़माना था जब कंप्यूटर्स आए थे, मुझे याद है, कंप्यूटर्स वॉज यूज टू बी अ स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि कंप्यूटर्स वर नॉट एट ऑल कंपैटिबल विद ईच अदर, ना आपस में कंप्यूटर्स कुड नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, क्योंकि कंपैटिबिलिटी एक सबसे बड़ा इशू था। दूसरा, ऐसी कोई डिवाइस या कोई मीडियम नहीं था जो आप एक सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं उसको आप दूसरे सिस्टम पे ले जा सको। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है, बाद में पेन ड्राइव्स या और सीडीज या डीवीडीज आई जिसके जरिए आप एक सिस्टम की फाइल को दूसरे सिस्टम पे ले जा सकते थे। दूसरा, कंपैटिबल्स हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो कंपैटिबल नहीं थे, है ना, आप एक सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं वो दूसरे सिस्टम पे नहीं कर सकते थे, बाद में इंटीग्रेशन नहीं था, वो उनके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का था कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो फाइल उसी पे रन करेगी, दूसरे पे रन नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज को बाद में रिजॉल्व किया गया। बाद में और भी चीजें हैं, जैसे मॉडम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी अगर आप उसको देखें तो, उस तरीके से, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकती थी और फिर डिजिटल को एनालॉग में, फिर उस तरीके से और भी, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स का जन्म हुआ, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई, इन सब ने, इन सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने आज न्यू मीडिया को या डिजिटल मीडिया को जन्म दिया। अगर ये सब नहीं धीरे धीरे एडवांसमेंट्स होते तो डिजिटल मीडिया कभी नहीं आता। फिर उसके बाद कंप्यूटर के नेटवर्क्स आए,
अगर आप देखें कंप्यूटर जब तक एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी थी, कंप्यूटर कोने में पड़ी हुई एक डिवाइस थी जो किसी काम नहीं आती थी, सिर्फ आप उस पर पर्सनल काम कर सकते थे। लेकिन जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा, यानी कि जब कंप्यूटर को आपने नेटवर्क किया, कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया, तब जाके कंप्यूटर ज्यादा यूजफुल हुआ। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स आए और इस तरीके से धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और उसके बाद जो लेटेस्ट है, जब से हमारा डायनेमिक वेबसाइट्स या हम कहेंगे सोशल मीडिया आया पिछले 10 सालों में, उसने इस पूरे डिजिटल रेवोल्यूशन को लीड किया। आज आप देखिए दुनिया भर में कितने सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे आप लीबिया का एग्जांपल है या मिडिल ईस्ट का लें, या इवन हिंदुस्तान में अगर हम देखें, अगर आपको याद होगा तो हमारे देश में जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से पॉसिबल हो पाया या पॉपुलर हो पाया और सक्सेसफुल हो पाया। तो सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लोग अक्सर इसे सोशल मीडिया से कन्फ्यूज करते हैं, सोशल मीडिया इसका एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि वो वेबसाइट जो हमें सोशल नेटवर्किंग की आज़ादी देते हैं, जिस पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने वीडियोज अपलोड कर सकते हैं और हम किसी के दूसरे वीडियो को सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, डाउनलोड करने की, उसे लोगों को डिसेमिनेट करने की और आगे फॉरवर्ड करने की आज़ादी देती है। दैट इज योर डिजिटल मीडिया। वेरी वेल सेड सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे गैमेट का जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, तो ये जो डिजिटल मीडिया है, क्या ये अपने आप में एक नई ब्रांच है या मास कम्युनिकेशन का ही एक नया ऑफशूट है? ऑब्वियसली ये मास कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है, ये लेटेस्ट। देखिए अभी तक हम लोग जब मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज पढ़ाए जाते थे इंस्टीट्यूट्स में, तो हम लोग टेलीविजन पढ़ाते थे बच्चों को, हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ाते थे कि न्यूज़पेपर में कैसे काम किया जाता है, टेलीविजन चैनल्स में कैसे काम किया जाता है, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि सिनेमा क्या है, ठीक है। लेकिन जब से डिजिटल मीडिया है 2005 के बाद से, सोशल मीडिया से पॉपुलर हुआ है, उसने एक नई जो रिवोल्यूशन लाई है वो भी अब करिकुलम का पार्ट हो गया है। और आने वाले टाइम में जैसे अब आप देखते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर हैं कहीं मीडिया में, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इसका जो वेरी नेचर है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इसका जो सबसे बड़ा नेचर है इंटरएक्टिविटी का। आप एक वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, उस पर सबसे बॉटम में जाके देखेंगे तो उस पर नंबर ऑफ विजिटर्स आता है। दैट मीन्स उनको पता चलेगा कि उनकी वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा, आज कितने लोगों ने उनको लॉगिन किया या उनका फुटफॉल्स क्या है। लेकिन कभी भी किसी टेलीविजन चैनल को एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि उनको देखने वाले एग्जैक्ट व्यूअर्स कितने हैं। हाँ, वो एक घर में एक टीवी, एक घर में एक टीवी सेट लगा हुआ है, उसको 5 या 6 लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप दूसरा इंटरएक्टिविटी टेलीविजन चैनल्स की या बाकी मीडिया की बहुत कम है। एक अखबार छपता है, अखबार में एक छोटा सा कॉलम होता है लेटेस्ट टू एडिटर, ठीक है, और उस अखबार को पढ़ने वाले लाखों लोग हैं। कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन कितने लोगों की चिट्ठियां छपती हैं और कितना अखबार उसको रिस्पॉन्ड करता है, उनके फीडबैक को कितना लेता है। वही टेलीविजन चैनल्स आप देखते थे, पहले टेलीविजन पर प्रोग्राम्स आते थे कि आप हमें, अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई प्रतिक्रिया हैं, तो आप हमें इस पते पर या इस ईमेल पर भेजिए। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि आपने या मैंने कभी कभी किसी प्रोग्राम को देखकर उसका फीडबैक दिया होगा। तो लेकिन डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव मीडियम है। इनफैक्ट इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि फ्यू डेज बैक आई वॉज लुकिंग फॉर अ फ्लाइट टिकट, और उसके बाद मैंने गूगल क्रोम से उसको एक्सप्लोर किया था, और मैंने एक्सप्लोर करके उसको छोड़ दिया वहाँ पे, और बाद में मैंने जब उसको दोबारा रीओपन किया और जिस भी साइट पे मैं गया, तो उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट मेरे पेज पे खुलने लगे। Exactly. यानी कि ये इतनी टारगेट स्पेसिफिक केटरिंग है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। मतलब जो कि टीवी में, जैसे कि आपने बताया, जो कि टीवी में मिसिंग थी, जो कि रेडियो में मिसिंग थी, जो कि न्यूज़पेपर में मिसिंग थी, ठीक है सर। ये कोर्स जो है, ये हमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब ये देता है सर? देखिए जैसे मैं आपको बता ही रहा था अभी, आज जितनी भी ट्रेडिशनल मीडिया हैं वो सभी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ सोनी का, ठीक। सोनी एक बहुत एस्टैब्लिश ब्रांड है, सोनी का बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स उनके यहाँ आते हैं। लेकिन सोनी ने भी अभी एक अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं सोनी लिव ऐप, ठीक है। वो लिव ऐप क्या है, आप जो भी सोनी का प्रोग्राम आपसे मिस आउट हुआ था, जो आप नहीं देख पाए हैं, आप उसको डाउनलोड करके उस पे, उस ऐप पर जाके उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्यों इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सोनी को ये लगता है कि उनके ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनके ऑडियंस डिजिटल मीडिया को ज्यादा यूज कर रहे हैं। उनके शायद उनके ऑडियंस जो अब तक सोनी के प्रोग्राम्स देखते थे, वो अब ज्यादातर समय यूट्यूब और बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर को एक्सेस करने में लगाते हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना हम लोग भी डिजिटल मीडिया पर आ जाए। ठीक इसी तरीके से आप जितने भी टेलीविजन चैनल्स को देख लीजिए, सभी की आज अपनी एप्लीकेशंस हैं, सभी की हैं, ठीक है। जितने रेडियो स्टेशंस हैं वो सभी ऑनलाइन हैं, ठीक है, इंटरनेट पर भी रेडियो आ रहा है। जितने अखबार हैं उनके ई वर्जन छप रहे हैं,
क्योंकि जो अखबार फिजिकल या हार्ड कॉपी में या प्रिंटेड फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहते वो लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की जो हम बात करते हैं, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ हैं ट्रेडिशनल मीडिया में, यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। सेम तरह की जॉब्स यहाँ पर भी हैं। इवन आजकल फिल्म्स या टेलीविजन कंटेंट जो ऑन डिमांड टीवी है आप देखते हैं, इतना सारा बन, आज इतने सारे, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पर मैं वीडियो देख रहा था, लीला के नाम से एक सीरीज आई है, बहुत पॉपुलर हो रही, लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। तो जो प्रोग्राम्स अब तक हम टेलीविजन पर देखते थे कि टेलीविजन के लिए फिल्म्स बन रही हैं या टेलीविजन के लिए शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, वही चीज़ें आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई जा रही हैं और पॉपुलर भी हो रही हैं। अगर आप देखें जो भी पिछले रिकॉर्ड रहा, जैसे मिर्जापुर एक सीरीज थी, ठीक है, या और जो बाकी रही हैं, तो वो सभी इतनी पॉपुलर रही हैं इस पर, न्यू मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर, कि लोग कहीं ना कहीं स्विच कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे देश का जो यूथ है जिसके पास मोबाइल है, और जब से मोबाइल में टेक्नोलॉजी आई है उसके बाद से तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है मीडियम कि लोग, खास करके यूथ का जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा है। तो इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। जी सर, अगर हम यूथ की बात करें और सपोज़ कीजिए कि जैसे हम इसे ग्रेजुएशन लेवल पे इसको हम प्रपोज कर रहे हैं, देख तो स्टूडेंट का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, या क्या उसका मिनिमम एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, या इसमें कोई भी आके एडमिशन ले सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सलीम। देखिए, ये एक बहुत टेलर मेड कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है डिजिटल मीडिया के बारे में। ये टेलर मेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें हम लोगों ने मास कम्युनिकेशन की बाकी सारी चीज़ें रखी हैं, प्लस वी आर गिविंग यू ए स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मीडिया, ठीक है। और इस कोर्स को, ये पूरा ही ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है 3 साल का, इसको करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स पढ़कर आए हैं प्लस टू तक, आप साइंस पढ़कर आए हैं, आर्ट्स पढ़कर आए हैं, ह्यूमैनिटीज से आए हैं, आप किसी भी कोर्स से आएँ, आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम नए सिरे से एक शुरुआत करते हैं जिसमें हम मीडिया और फिर बाद में डिजिटल मीडिया, इन सब के बारे में स्टार्टिंग टू एंड हम हर चीज़ पढ़ाते हैं। और हमने जो हमारा सिलेबस हमने डिज़ाइन किया वो इसी तरीके से किया गया है जिसमें हम मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बताएं। और हमारा जो फोकस रहेगा हर पेपर में वो यही रहेगा कि हम वो डिजिटल मीडिया स्पेसिफिक हो। जैसे मान लीजिए अगर हम मीडिया राइटिंग की बात करते हैं तो मीडिया राइटिंग में भी डिजिटल मीडिया राइटिंग पर हमारा इंफेसिस रहेगा। अगर हम मीडिया लॉज पढ़ाते हैं तो हमारी लॉ में भी हमारी स्पेसिफिक यही रहेगा कि हम डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो लॉज है, जैसे अगर आईटी एक्ट है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है, ये सब चीज़ें बहुत लागू होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस्ड हैं, बाकी तो चीज़ें हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ये एडिशनल है। तो इस कोर्स में फ़ायदा ये है कि आप डिजिटल मीडिया तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आप जो बाकी ट्रेडिशनल मीडिया है उसके बारे में भी हमें पढ़ाना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे और फिर हमको डिजिटल मीडिया तक लेकर आते हैं, तो हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे आपको। इस कोर्स में हमारी यूएसपी क्या रहेगी? देखिए, यूएसपी, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोर्सेज, क्योंकि अभी ये न्यू मीडिया, जैसे मैंने बताया नया मीडिया है, नया आया है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उस तरीके से कोर्सेज नहीं है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वो लोग हैं जो टेलीविजन में काम करके आए हैं, है ना, और न्यूज़पेपर से आए हैं। लेकिन जैसे विदेशों में कॉन्सेप्ट था, अभी पिछले कुछ समय से मैं सुन रहा था कि लोग कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अखबार बंद हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज क्या सीन है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो सिर्फ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे हैं, उनकी हार्ड कॉपी या हाइब्रिड न्यूज़पेपर्स नहीं आते। वो टाइम अभी इंडिया में आना बाकी है, क्योंकि ये रिवोल्यूशन इंडिया में अभी कुछ समय पहले ही आया है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये रिवोल्यूशन और ज़्यादा आएगा, जैसे जैसे जो लोग ज़्यादा एक्सेस करेंगे, वैसे वैसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और वही इस कोर्स में अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पेपर्स को जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे उस हिसाब से ये बहुत वाइड है और आपको बहुत कुछ करने को और सीखने को इस कोर्स में आपको मिलेगा। यानी कि हम एक तरह से स्पेशलाइज्ड लोग तैयार करेंगे इस मीडियम के लिए, जो अभी तक कोई कोर्स नहीं कर रहा। जो अभी तक अगर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कोई आपको डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहा। हम आपको 3 साल का एक डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जिसमें हम मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया में कैसे काम करना है वो हम बताएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं भी उठाना चाहता हूँ कि कई बार लोग जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो कोर्सेस, आई मीन विच आर रनिंग देयर इन मार्केट, वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के हैं, जो कि 3-3 महीने लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं और ये डिजिटल मीडिया का है, तो यानी कि वो जो कोर्स है वो एक छोटा सा हिस्सा है और ये एक ओवरऑल व्यू है जो कि एक डिग्री प्रोग्राम भी है। और अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल था जो कई बार स्टूडेंट्स का भी होता है कि सोशल मीडिया, या नॉट एग्जैक्टली सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को लेके कुछ इश्यूज़ वक्त बे वक्त आते रहते हैं, तो वो इश्यूज़ क्या हैं?
देखिए, एक इशू तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सलीम, एक तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है? जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत स्टैब्लिश है, सालों से स्टैब्लिश है. न्यू मीडिया की चूंकि नया आया है, डिजिटल मीडिया नया आया है, तो उसकी वजह से अभी तक ये एज अ स्टैब्लिश एक इंडस्ट्री के फॉर्म में नहीं हो पाया है. तो जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा तब सीन कुछ और होगा. और इसकी जो इकोनॉमिक्स है ना, पूरी इस पूरी इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम देखें डिजिटल मीडिया को, वो बाकी मीडिया से बहुत डिफरेंट है. और यही हम इस कोर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं. इश्यूज ऑफ कंसर्न बहुत सारे हैं, ठीक है? एक इशू ये हो सकता है कि अगर हम जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, यहाँ पर कोई गेट कीपिंग नहीं है, है ना, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है. जो कि अभी कोई गवर्नमेंट के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. जैसे टेलीविजन भी कानून के दायरे में बहुत हद तक आता है, ठीक है? आप जो अखबार में छाप रहे हैं वो भी हाँ, अगर वो, हाँ, लेकिन न्यू मीडिया पर कोई रोकथाम अभी तक, ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं फॉर्म हुई है, ठीक है? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जब से न्यू मीडिया आया है या सोशल मीडिया आया है, एक नया कॉन्सेप्ट जन्म हुआ है जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म. आज हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति जर्नलिस्ट बनकर कुछ भी बिना ये सोचे समझे कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या इफेक्ट होने वाला है, हर चीज़ को वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ठीक है? जिसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. हालांकि इससे ट्रांसपेरेंसी भी आई है. अगर आप देखें, हर मीडिया की अपनी एक लिमिटेशन है. न्यूज़पेपर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज 18 एंड 20 पेजेस, है ना? टेलीविजन एक हाफ एन आवर बुलेटिन के बाद उससे ज़्यादा कंटेंट को नहीं दिखा सकता. वहीं डिजिटल मीडिया की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? लेकिन बावजूद इसके डिजिटल मीडिया के पास ना तो कोई टाइम की कमी है, ना स्पेस की कमी है. क्लाउड पर इतना सारा स्पेस है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं. जिन खबरों को अभी तक टेलीविजन रोकता था या जिन खबरों को अखबार छपने से रोकता था, वो सारी खबरें अब डिजिटल मीडिया पर सिटीजन जर्नलिज्म आ रही है. तो एक तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं इसको कह सकता हूँ. लेकिन निगेटिव वही ये है कि इसका हम बिना इम्पैक्ट जाने कई बार हम लोग ऐसे ऐसे विजुअल्स हम लोग डाल देते हैं, लोग अक्सर डाल देते हैं, जो कि इंसान को किसी को विचलित कर सकते हैं. टेलीविजन में वही कंटेंट बहुत ज़्यादा साफ सफाई के साथ या ब्लर करके या बहुत सावधानी के साथ उसको टेलीविजन पर दिखाते हैं. या अखबार भी खबरों को लिखते वक्त बहुत सारी चीज़ों की सावधानी बरतता है, जो अक्सर डिजिटल मीडिया पर नहीं बरती जा सकती, क्योंकि उसको लिखने वाला एक ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं है. किसी को कहीं पर भी कुछ दिखाई दिया, उसने वो चीज़ वहाँ अपलोड कर दी. सो इट मीन्स इट्स एन अनटेम्ड मीडियम टिल नाउ. एग्जैक्टली. लेकिन ये आने वाले टाइम में इस पर बहुत सारे सुधार होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर बनकर आएगा पिछले अगले कुछ सालों के अंदर. आप देखेंगे इसमें अपॉर्चुनिटीज तो अभी बहुत है और आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, एक अच्छा मीडियम बनके और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनकर जरूर सामने आएगा. अच्छा, क्या इस तरह के प्रोग्राम जो कि हम डिजिटल मीडिया पर रन कर रहे हैं, क्या इस तरह के प्रोग्राम और भी एग्जिस्ट करते हैं या हमारा ही प्रोग्राम जो है वो यूनिक प्रोग्राम नहीं? अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट लेवल पर या पीजी लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं आते हैं. ये हम लोगों ने भी नया कोर्स लॉन्च किया है, जो अभी 3 साल का हम एक ग्रेजुएट प्रोग्राम BA इन डिजिटल मीडिया हम दे रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज आपको कुछ कुछ जगहों पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज मिलेंगे. ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, जो पूरा 3 साल का एक कोर्स है, BA इन डिजिटल मीडिया. एंड वी टॉक्ड अबाउट कि वो कोर्सेज जो हैं, दे विल नॉट बी प्रेजेंटिंग द एंटायर व्यू ऑफ द सिस्टम. मैंने आपको बताया ना, हम इसमें इस कोर्स में जो आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, वो इसका एक छोटा सा पार्ट है. वो हम एक सेमेस्टर में पढ़ाएंगे बच्चों को, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, ग्राफिक्स क्या होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल मीडिया राइटिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. अच्छा, ये हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रखेंगे या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा 70-30 का रेशियो रहेगा, जैसे बाकी कोर्सेज का हमारा मीडिया का रहता है. तो ये भी एक पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए. और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा. अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप आके हम लोगों से SGT यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं. आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है करियर बाइट्स. नमस्कार.